उपमंडल संगड़ा के अंतर्गत आने वाली शिवपुर पंचायत के जंगल में लगी आग से 3 बैल जिंदा जल गए। स्थानीय नवयुवक मंडल प्रधान अनिल कुमार ने बताया कि आगजनी के दौरान वह पशुओं को चराने जंगल में गए थे और अचानक भड़की आग से बैलों को नहीं बचाया जा सका। आगजनी के दौरान कुछ अन्य लोगों के मवेशी भी जंगल में मौजूद और बड़ी मुश्किल से अन्य लोग पशुओं सहित खुद को बचाने में कामयाब रहे। बुधवार को लगी आग को ग्रामीणों के द्वारा काफी कोशिश व जोखिम उठाकर गुरुवार सुबह बुझाया जा सका। आग 2 दिन तक अपना कहर मचाती रही और इस दौरान शिवपुर के अलावा मानली धार सैंज नाला बस बुएरी गांव तक आग पहुंच चुकी थी। इससे पूर्व बुधवार को उपमंडल संगड़ा के गांव बौनल में लगी आग से किसानों की गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। पंचायत प्रधान रीना शर्मा व सरिता देवी ने प्रशासन से आगजनी से प्रभावित परिवारों की मदद की अपील की। शिवपुर के जंगल में मौजूद बान व देवदार के हजारों पेड़ भी आग अपनी चपेट में ले चुकी है। गौरतलब है कि उपमंडल संगड़ा में कहीं भी फायर स्टेशन अथवा चौकी न होने के चलते ग्रामीणों को खुद ही आगजनी से जानमाल की रक्षा करनी पड़ती है। क्षेत्रवासियों की मांग व ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी की सिफारिश के बाद गत जनवरी माह में दमकल विभाग द्वारा SDM संगड़ा से यहां फायर स्टेशन खोलने संबंधी रिपोर्ट मांगी गई थी, जो गत माह भेजी जा चुकी है। DFO रेणुका जी श्रेष्ठानंद शर्मा ने बताया कि आग संभवतः लोगों के निजी जंगल में लगी है तथा उन्हें संबंधित अधिकारी अथवा RO से इस बारे रिपोर्ट नहीं मिली है। SDM संगड़ा डॉक्टर विक्रम ने बताया कि संबंधित पटवारी द्वारा हालांकि डिजास्टर मैनेजमेंट संबंधी ग्रुप पर आगजनी से 2 बैल मरने की सूचना दी गई है, मगर 3 बैल मरने संबंधी अधिकारी की रिपोर्ट मिलना शेष है। उन्होंने कहा कि संबंधित तहसीलदार से शिवपुर व बौनल में आगजनी संबंधी रिपोर्ट मांगी गई है। अनिल भाई, ये कैसे घटना घटी आपके साथ, कैसी घटना घटी? ये कल दोपहर को जो आग लगी थी उसमें मेरे जो 3 बैल है, 2 इधर पड़े हुए हैं और 1 नीचे है। हाँ जी, तो ये चराने के लिए बाहर लगाए हुए थे। सुबह दोपहर को तकरीबन 11:30 बजे के आसपास जो आग लगी तो उसमें ये झुलस कर गिर गए और इनकी मृत्यु हो गई है। तो मेरे पास केवल 3 बैल ही थे, जो कि एक परिवार का अभिन्न हिस्सा होता है और पूरे परिवार की जिम्मेवारी भी तकरीबन बैल पर होती है, क्योंकि बैल का बहुत ही कठिन काम होता है। हिमाचल प्लस न्यूज चैनल के लिए सिरमौर से टीकाराम शर्मा की रिपोर्ट।